का जप करके नाचते हैं, मेरे मंदिरों की मूर्तियों के सामने मीरा ने घुंघरू बांध लिए थे भगवान को रिझाने के लिए, घुंघरू खरीद लिए थे चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बाजार में से, बांध लिए पांव में, नाचती थी, राजकुमारी थी, पटरानी थी, चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी थी, उदयपुर की पटरानी थी, पांव में घुंघरू बांध लिए थे वो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए, नाचती थी, गाती थी, हंसती थी पागलों की तरह, रोती थी जैसे सब लुट गया, सब छूट गया, कब मिलेंगी मुझे मेरे माधव, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो तो पति सोई, छान दई कुल की कहानी कहा करेगा कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अश्वन जल सींच सींच भक्ति बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई, अब तो प्रभु मुझे अपना लो, अपनी दुल्हन की तरह आ जाओ, भर दो मेरी मांग में सिंदूर, मीरा बाई ने बांध लिए थे घुंघरू, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भैरे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, विष का प्याला राणा ने भेजा, पी गई मीरा हंसी रे, विष का प्याला राणा ने भेजा, पी गई मीरा हंसी रे, भगवान के प्रेम में जो पागल होते हैं उनके लिए विष क्या करेगा, समाज का अपमान क्या करेगा, उनको मान सम्मान की परवाह नहीं रहती, विष पान भी कर जाते हैं। कौन संत है जिसने संसार का विष पान नहीं किया, संसार ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनको जहर दिया, उनको मारा, कत्ल किया, फांसी दी, जीसस को फांसी, मंसूर के हाथ पांव काटे, फांसी पर लटका दिया, सुकरात को जहर पिला दिया, मीरा को जहर पिला दिया, बुद्ध भगवान को मारने की चेष्टा की, गुरु नानक देव जी के ऊपर भी चट्टान खिसका दी मारने के लिए, उन्होंने अपनी एक उंगली के इशारे से वो चट्टान को रोका, शक्तिवान थे, शक्तिवान है, क्योंकि भगवान के ही जो स्वरूप है वो शक्तिवान है, जो पवित्र परम पवित्र है वो शक्तिवान है, पवित्रता में शक्ति होती है, जरा मरण मोक्ष आए, तो ये जहर सब को पीना पड़ता है, और संसार के पास है क्या, जहर ही तो है, जिसके पास जो होगा वही तो पिलाएगा, अमृत तो मिलता है महापुरुषों के पास, शुद्ध भक्तों के पास, संसार के पास कहां मिलेगा, संसार के पास मिलेंगी बीड़ी सिगरेट शराब गांजा भांग तंबाकू मांस मटन बीफ ब्लड जुआ ताश के पत्ते और चमड़े का व्यापार, ये सब जहर है, तो संसार देगा क्या, इच्छा द्वेष, वो अपने को
राजा घोषित करने के लिए, बड़ा घोषित करने के लिए वो भगवान के भी सामने तलवार लेके आ जाएगा। रावण राम के सामने आ गया, हिरण्यकश्यप भी आ गया भगवान को तलवार लेकर के, खड़ग ले ली हाथ में, खड़ग निकाल ली जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। लेकिन भगवान के आगे उसकी खड़ग क्या करेगी, लिंग्स करेंगे क्या ये बेचारे, करेंगे क्या संसार वाले, इनके पास जहर ही तो है, तो जहर ही पिलाएंगे, तो संतों को मारेंगे, गाली देंगे, झूठे लांछन लगाएंगे, काला मुंह कर देंगे, गधे पे निकाल देंगे बिठा के, क्योंकि संत अमृत पिलाना चाहता है, अमृत इनको भाता नहीं। जैसे गधे को कोई घी पिलाए और गधा कहे कि क्या करते हो, मेरी गर्दन क्यों तोड़ रहे हो, ऐसा ही हाल है, तो फिर गधा दुलत्ती मारेगा, नकारेगा अमृत पीने से। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रय में रह करके, भगवान का आश्रय यानी भगवान की शरण, भगवान की शरण तभी मानी गई है जब कोई व्यक्ति भगवान के किसी शुद्ध भक्त के चरणों में जाके माथा टेके, प्रणाम करे, गुरु रूप से स्वीकार करे, तो भगवान की शरण मानी जाती है। भगवान की शरण डायरेक्ट नहीं मिलती, शास्त्रों में मना किया है, भगवान के किसी शुद्ध भक्त की शरण में जाने से ही भगवान की शरण मिलती है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती। इसलिए भगवान स्वयं गुरु बनाने की शिक्षा देते हैं, गुरु बनाए। कृष्ण बलराम संदीपनी मुनि के आश्रम में गए शिक्षा लेने, बेशक उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं प्राप्त करी, उनके पास तो कलाओं का भंडार पहले से ही है, उनको जरूरत नहीं, लेकिन शिक्षा देने के लिए समाज में 64 दिन में 64 कला कोई प्राप्त कर सकता है, यह भी इशारा किया भगवान ने। भगवान ने इस धराधाम पर जब थे, प्रकट हुए, तो सभी ऐसी लीलाएं की जो सभी नर और देवताओं से और दानवों से, ब्रह्मा जी से सबसे एक एक हाथ ऊपर थी, उससे ज्यादा नहीं। वो चाहे तो हजारों मील ऊपर कर दे, लेकिन नहीं, एक एक हाथ ऊपर, समझाने के लिए कि मैं भी तुम जैसा ही हूं, लेकिन देखो मैं भी तो गुरु बना रहा हूं, चाहे 64 दिन के लिए ही सही, 64 कलाओं के लिए सही। राम के भी गुरु थे, गुरु बिन गति नहीं होती, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन अहंकार कौन काटेगा तुम्हारा। कोई कहता है शिरडी के साईं बाबा मेरे गुरु जी हैं, मैं कहता हूं तुम अभी 40 वर्ष के हो, शिरडी के साईं बाबा को 100 वर्ष से ऊपर हो गए, वो तुम्हारे गुरु कब बन गए। बोलो महाराज हमने गुरु मान रखा है उनको। अच्छा चलो ठीक है, गुरु मान रखा है, फिर गुरु जी ने गुरु मान रखा है तो गुरु एक पवित्र भक्त होता है भगवान का, तो उसकी पवित्रता तुम्हें भी तो, तुम्हारे ऊपर भी तो उतरनी चाहिए। तुम तो शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, दुनिया को सता रहे हो, तुम कैसे उनके शिष्य हो गए। शिष्य का धर्म है कि वो भगवान की शरण में रहे, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस का पालन करे, पवित्रता को अपनाए, गंदगी को साफ करे, धर्म को अपनाए, अधर्म को नष्ट करे। तो लोगों ने ऐसे धारणा कर रखी है कि हम तो मानते हैं शिरडी के साईं बाबा को, कोई बोलता हम जलाराम बापू को मानते हैं, तो जलाराम बापू तो अभी नहीं है, तो कोई बोलता हम गुरु जगत गुरु
श्री कृष्ण जी जगत गुरु महाराज उनके चरणों में है। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने गीता बोली है अपने शिष्य के लिए, तो शिष्य बनो अर्जुन की तरह। तो भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस का पालन करो, उनके आदेशों का पालन करो, उनकी शिक्षा को स्वीकार करो। भगवान कह रहे हैं कि मेरे आश्रय में रह करके जो जरा मरण से छुटकारा पाना चाहता है उसे मेरे आश्रय में रहना चाहिए, मेरी शरण में रहना चाहिए, मेरी शरण में रह करके मेरा भजन करना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरा कहा मानना चाहिए, मुझसे प्रेम करना चाहिए, मेरी चरण स्पर्श करनी चाहिए, मेरी शरण में रहना चाहिए, मेरे पर डिपेंड रहना चाहिए। जो कुछ मांगना है मुझसे मांगे, कुछ निवेदन करना है मुझसे करे। मावा श्रुति यतंती है जरा मरण मोक्षाय, ये जरा मरण से मुक्त होने के लिए कि बार बार जन्म बार बार मरण, इससे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में रह करके यत्न करना चाहिए, मेरी शरण में रह करके ये जरा और मरण से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए, यानी मेरे भजन करनी चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरा नाम जप करना चाहिए, मेरा कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करना चाहिए, नाचना चाहिए। यत करोसि यदश नासी यत जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। अरे कुंती के नंदन अर्जुन, जो तू कुछ खाता है करता है देता है तपता है वो सब मेरे लिए कर, तेरी सारी दिनचर्या मेरे लिए होनी चाहिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए कर। यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी, कुछ आहुति देता है स्वा मेरे मेरे लिए कर। वासुदेव यज्ञ कर, लोग देवताओं के मंत्रोच्चारण करते हैं, आहुतियां देते हैं, इंद्र देवाय नमः स्वा, और फिर प्रार्थना करते हैं हमको महल दो, घोड़ा दो, नौकर दो, रानी दो, सुख दो, सुविधा दो, अप्सराएं दो, सारी अप्सराओं को लेके बैठे हमें भी तो अप्सरा दो। इंद्र है मन तुम्हारा, ये शरीर में हमारा जो मन है यही इंद्र है, ये इंद्र के ही चारों तरफ हजार नग्न अप्सराएं खड़ी होती हैं, विचारों में ही सही, सपनों में ही सही, ये मन में ही सारा संसार समाहित है समाया है। ये मन ही भोक्ता बनना चाहता है, मन ही इच्छा करता है, मन ही द्वेष करता है। मन एव मनुष्याणां कर्म बंध मोक्षयो, ये मन ही तो है मनुष्यों के अंदर जिससे मनुष्य शब्द बनाए, ये मन ही तो है जो बंधन का कारण है। ये चाहे तो जेल में ले जाए, बेड़ियों में डाल दे, ये चाहे तो नरक में ले जाए, ये चाहे तो अप्सराओं से मिला दे, ख्वाबों में ही सही हकीकत में भी मिला दे, और ये चाहे तो परमेश्वर से मिला दे, ये मोक्ष का कारण भी बन जाता है मन। मने मनुष्याणाम कर्म बंध मोक्ष, ये कर्मों के बंधन में डालता है। तो मन से सावधान रहना, मन की गति समझना कि ये कहां कौन सी चाल चल रहा है, किस मार्ग पर जा रहा है।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मन संसार में भटकेगा, तुम्हारे वश में नहीं होगा जब तक तुम मेरी शरण में इसको नहीं लगा दोगे, मेरे चरणों में इसको नहीं लगा दोगे, मेरी सेवा में इसको नहीं लगा दोगे, मेरे नाम जप में इसके नहीं लगा दोगे, मेरे कीर्तन में इसको नहीं लगा दोगे, जब तक ये मेरे लिए नाचेगा नहीं ये तुम्हारे वश में नहीं होगा, तो इसको मेरी सेवा में लगा दो, ये अपने आप शान वश में हो जाएगा और तुम्हारा मित्र बन जाएगा, तुम्हारा कल्याण चाहने वाला बन जाएगा ये मन। जरा मरण मोक्ष आए, तब तुम ये जरा बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। और कोई मार्ग नहीं बतलाया भगवान ने, होता कोई मार्ग तो यहां बोलते, नहीं बोला। जरा मरण मोक्ष आए मामा श्रुत्य तंती, ये जो मेरी शरण में रह करके ये जन्म मरण से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तद विदु, वही ब्रह्म को पहचानते हैं। ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ते ब्रह्म तद्विदु, परम ब्रह्म क्या है, ते ब्रह्म तद्विदु, कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम, और वो ही जानते हैं मुझ परमेश्वर को, मेरी आत्मा को, मेरी सुप्रीम सॉल को, मुझ सुप्रीम ब्राह्मण को, परम ब्राह्मण को, परमात्मा को, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम, वो ही जानते हैं आत्मा के विषय में, वो ही जानते हैं कर्म के क्षेत्र को, कर्म फील्ड को, वो ही जानते हैं अध्यात्म क्षेत्र को, आत्मा के फील्ड को, चाखिलम, और ये पूर्ण जो विस्तार है भगवान का उसके विषय में उनको ही जानकारी है, जो मेरी शरण में रह के ये जरा मरण से मुक्त होने का प्रयास करते हैं यानी मेरी भक्ति करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामा श्रुत्य तंतिये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। अध्यात्म क्या है, आपकी आत्मा ही अध्यात्म है। यहां पर अध्यात्म आत्मा को कहा है जो इटर्नल है, फुल ऑफ ब्लिस है, आनंदमयी है, हमेशा के लिए अव्यय जो है आत्मा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आनंदमयी है, ज्ञानमयी है। आप सब हे आत्मदेव, आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं, लेकिन ये छह शत्रुओं ने, छह विकारों ने और 12 खजानों ने घेर करके, ये घेर करके बैठ गए आपको, आपके ऊपर बादल की तरह छा गए, काले बादल मंडरा गए। अब ये सूर्य तो लुप्त हो गया, दिखाई नहीं पड़ता, और दिखाई पड़ते काले बादल, दिखाई पड़ते ये शरीर कि मैं ये शरीर हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं रूपवान हूं, मेरे ये शरीर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे परिवारजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे वोट देने वाले हैं, समर्थक हैं, ये शरीर दिखाई देते हैं। अष्टावक्र महाराज ने जनक ऋषि को फटकारा था, जनक ऋषि बड़े बड़े विद्वानों से, ब्राह्मणों से सत्संग करवा रहे थे अपने महल में, तर्क वितर्क शास्त्रार्थ चल रहा था, विद्वानों जो स्कॉलर्स हैं, जिनको जो किताबी कीड़े हैं, जिनको शास्त्र का तोता रटंत का ज्ञान है, अनुभव नहीं। जब ये सत्संग में अष्टावक्र पधारे तो ये सारे विद्वान ब्राह्मण हंस पड़े, पंडित
पांडित जिनको पांडित को ही जिन्होंने धन समझा है, हंस पड़े अष्टावक्र जी को देख करके। अष्टावक्र उनका नाम ही अष्टावक्र है, उनका शरीर आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। उनके पीछे भी शाप लग गया उनके पिताजी का। उनके पिताजी ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण, ज्योतिष विद्या वाले, शनि नवग्रह के जाप करवाने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण। अष्टावक्र जब पेट में थे, मां के पेट में, सातवें महीने में जब बच्चा पहुंचता है तो कोई शिक्षा देने की पद्धति चली आई है, आज भी है, कल भी थी। जैसे नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद जब गर्भ में थे कयादु माता के, तब नारद मुनि ने उपदेश किए थे कयादु को, और वो सारे उपदेश बालक भक्त ने सुन लिए थे, आध्यात्म ज्ञान, भगवत कथाएं। ठीक वैसे ही ब्राह्मण कहते हैं, पिता अष्टावक्र तो बालक है, नाम तो ये उनके शरीर में आठ जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए नाम अष्टावक्र पड़ गया। उनके पिताजी ने ही शाप दे दिया कि तू अष्टावक्र नाम से जाना जाएगा, तेरे शरीर में आठ जगह से बांक होंगी, टेढ़ा मेढ़ा होगा, तू मेरी एक भी बात नहीं सुनता। पिताजी बेचारे मेहनत करते थे, बच्चे को तैयार करते थे कि कर्मकांडी विद्वान बने, तो शिक्षा देते थे कर्मकांड की। लेकिन बालक बड़े चैतन्य थे, इन्होंने सोचा कि जो पिताजी जो शिक्षा मुझे दे रहे हैं, इस शिक्षा से तो संसार में आदमी फंसता है, ये तो सब वही इंद्र चंद्र को मनाने वाली विद्या है, भोग विलासों को चाहने वाली विद्या है, ये तो कर्मकांड कहिए कि ये तो अविद्या है, ये तो संसार में फंसाती है कि तुम शनि के जाप करो, इंद्र को आहुति दो, चंद्र को आहुति दो, वायुदेव को आहुति दो, और इनसे फिर घोड़ा गाड़ी मांगो, धन वैभव मांगो, स्त्री पुत्र मांगो, ये तो संसार में फंसाने वाली विद्या है।